भारतीय मजदूर संघ और पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद द्वारा आज रेलवे परिसर में किया गया धरना प्रदर्शन। यहां कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ, सहायक लोको पायलटों को अभी तक सातवें वेतनमान की सुविधा नहीं मिल पाई है, इसी कारण ये धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें सातवें वेतनमान की सुविधाएं दी जाए। भारतीय मजदूर संघ की से एफिलेटेड पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद जबलपुर जोन की भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड यूनियन है। इसका अखिल भारतीय स्तर पर हमारे रनिंग के भाइयों के लिए जो लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, 1/1/2016 से सातवें वेतन आयोग का आयोग लागू हो गया है, लेकिन रनिंग का भत्ता अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो हम हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और हमारी मांग है कि रनिंग भत्ते को संशोधित कर, एक सम्मानजनक रूप में संशोधित कर 1/1/2016 से एरियर सहित हमारे रनिंग भाइयों को भुगतान किया जाए। भारतीय मजदूर संघ और पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी संघ की भारत सरकार और रेल मंत्रालय से ये मांग है। इस पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसका हम ज्ञापन DRM महोदय के माध्यम से रेल मंत्री को पहुंचाएंगे और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो देश की सबसे बड़ी यूनियन है, आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, उसकी देश में आज सभी संगठनों में 2.5 करोड़ के लगभग सदस्यता है, उसकी बात सरकार जरूर मानेगी। हमारी विचारधारा सरकार से मिलती है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे और कि हमें विरोध का रास्ता ना अपनाना पड़े, इसलिए रनिंग 1/1/2016 से एरियर सहित संशोधन सम्मानजनक रनिंग भत्ता प्रदान करने की कृपा करें।